सर सर बोलो थोड़ा ये एक 4% रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन जो ओबीसी मुस्लिम्स के लिए जो फ्रॉम लास्ट 30 सालों से जो चला रहा था उसको इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप किया है और उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। इस सिलसिले में आप सभी को पता है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी सोसाइटी और कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है और ख़ास करके इकोनॉमिक और इक्तिसादी और तालीमी तौर पर मुसलमानों के इस हमारे वतन में इस देश में जो हालत है वो सब जानते हैं। और सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में ये सब बातें हैं, हम सभी जानते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल में हो या जहाँ जहाँ पर जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पर है, रूल पर है, जहाँ पे उसकी हुक्मरानी है, वहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तौर पर इक्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली इनको मुकम्मल साइडलाइन किया जाए, उनके हुकूक से उनको वंचित किया जाए, उनको उनके हुकूक से महरूम किया जाए। अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन के सिर्फ 3 और 4 दिन पहले जिस तरह से इस हमारी रियासती गवर्नमेंट ने मुसलमानों के तालीमी और जो नौकरियां गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं उसमें हमारे मुसलमानों का जो तनासुब है सबसे लोवेस्ट, वो सब जानते हैं। उसके बावजूद भी इस गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको जो है इस रिजर्वेशन को 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर जो है अलग थलग किया जाए, उनको माशी तौर पर बेबस और मजबूर बना करके, उनको तालीमी तौर पर उनको मजबूर बना करके रख दिया जाए। इसके साथ साथ ये हमारे इस बीजेपी गवर्नमेंट के कैरेक्टर को भी दर्शाता है कि इलेक्शन के लिए, वोट बैंक के लिए ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये पार्टी किस हद तक जा सकती है। बहरहाल जाहिर है इसके खिलाफ, इस इनजस्टिस के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ कर्नाटक का हर मुसलमान, हम मुसलमान इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे और हमें यकीन है कि इनजस्टिस की, नाइंसाफी की जो लड़ाई है इंशाल्लाह हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हम सब मुत्तहिद हैं इंशाल्लाह और हमें यकीन है इंशाल्लाह, हम हमारे गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है, उनसे हमारा डिमांड है कि किसी तरह भी इसको जो रिजर्वेशन खत्म किया है, जैसे हमने अपने मेमोरेंडम में हमने जो डिमांड किया है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अगर इस तरह न होगा तो फिर हमें इंशाल्लाह कोर्ट से मुकम्मल राहत मिलेगी और अपने हकों को दोबारा बहाल करने में हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಹುಸರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಭಾರಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಮೋದಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆಗೆ ನಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಗು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4% ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, 8% ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೊಟ್ಟು 7% ಲಿಂಗಾಯತ್. ಅವ್ರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮಿತ್ರನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಯಾರ್ದು ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಂಟು, ಯಾರ್ದು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ.
लिंगज जनू हाँ मत वकील के कोडरू हाँ इवि इष्ट साकल बेरे मत ऐन बेवे इबूर समाज स्वामीजी दौड़ स्वामीजी हिड़ू बेरे मुस्लिम समाज हक तक नमेंगे नहीं कोड़ू बेड़े बेड़ अंतबिटी इशु मान मरियती अस्टू साकु इवर हेड़ू साकु ना मत हेन नमदेन नम मुखंड बैंगलूर दौड़ पदमाणी कॉर्ट मुखली नम न्याय मुखली ना मुझे होराटी नमेंगे न्याय बे ना हर बंदी निम्बा बंद थैंक्स नम मुगे पाक धन्यवाद अलहमदुलिल्लाह।